नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। केंद्र के कोविड 19 टीकाकरण अभियान से निजी कंपनियों की मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र बिरार में अस्पताल में आग लगने से कोविड 19 के 13 मरीजों की मौत। भारतीय चुनाव आयोग भाजपा के पक्ष में है, कहना है जौहर सरकार का। और आखिर में देश में कोरोना के फिर से 3 लाख से ज्यादा नए मामले, 2,263 मरीजों की मौत। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों के एक राष्ट्रीय संघ ने बुधवार को केंद्र पर कोविड 19 टीकाकरण अभियान का सार्वजनिक वित्त पोषण सुनिश्चित करने की बजाय इसे निजी कंपनियों को मुनाफाखोरी के लिए सौंप देने का आरोप लगाया है। प्रोग्रेसिव मेडिकोस एंड साइंटिस्ट फोरम ने एक बयान में कहा कि केंद्र का कदम निश्चित ही टीकों की कीमतों में हेरफेर कर निजी लाभों को बढ़ाने वाला है। संस्था ने कहा कि टीकाकरण के सार्वजनिक वित्त पोषण सुनिश्चित करने की बजाय सरकार ने यह घोषणा कर टीकाकरण अभियान तक को निजी कंपनियों की मुनाफाखोरी के लिए दिया, ताकि सभी खुराकों का 50% अब खुले बाजार के माध्यम से मिलेगा। इसने कहा, इससे निश्चित ही अधिक से अधिक निजी लाभ कमाने के लिए बाजार में हर तरह से टीकों की कीमत में हेरफेर होगी। मुफ्त टीकाकरण के वादे केवल चुनाव के लिए अच्छे लगते हैं और बाद में लोगों को ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं। फोरम ने यह भी कहा कि अभी की स्थिति ऐसी है जहां पहले से ही टीकों की कमी है। ऐसे में इस घोषणा का मतलब है कि सभी राज्यों को बेहतर कीमतों के लिए उत्पादकों से अपने स्तर पर मोल भाव करना होगा और पर्याप्त खुराकों के लिए दोनों को एक दूसरे से बेहतर बोली लगानी होगी। महाराष्ट्र में पालघर जिले के विरार में शुक्रवार तड़के एक निजी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई यानी आईसीयू में आग लगने से कोविड 19 से पीड़ित 13 मरीजों की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एक वातानुकूलित इकाई में विस्फोट होने के बाद यह आग लगी और हादसे के वक्त अस्पताल में 90 मरीज मौजूद थे, जिनमें से 18 मरीज आईसीयू में थे। मृतकों में 5 महिलाएं और 8 पुरुष थे। मृतकों के परिजन अस्पताल के बाहर बिलख रहे थे। अधिकारी ने बताया कि 4 मंजिला विजय वल्लभ अस्पताल के दूसरे तल्ले पर स्थित आईसीयू में तड़के 3 बजे आग लग गई। अग्निशामक दल ने आग पर सुबह 5:20 पर काबू पा लिया। उन्होंने बताया कि घटना के वक्त आईसीयू में 18 मरीज मौजूद थे। 5 मरीजों को बचा लिया गया और उन्हें इलाके के अन्य अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। अधिकारी ने बताया कि अस्पताल के अन्य मरीज इससे प्रभावित नहीं हुए हैं, क्योंकि आग आईसीयू तक ही सीमित था। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना की जांच के लिए आदेश दिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी जौहर सरकार का कहना है कि भारतीय चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में राज्य विधानसभा चुनाव करवाते समय बेपरवाह रहा। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उन्होंने न्यूज क्लिक के साथ एक खास बातचीत में सुनील अरोड़ा को सबसे विवादास्पद मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में वर्णित किया है। आइए देखते हैं क्या है उनका कहना। इन अ वे माय ओपिनियन दैट आई हैव गिवन एंड ऑल ओपिनियंस आर सब्जेक्ट टू डिबेट बट व्हेन आई गिव एन ओपिनियन लाइक दैट आई एम रिफ्लेक्टिंग द व्यू ऑफ अ लार्ज ग्रुप इन व्हिच आई एम A large group, the largest ever group of retired IAS, IPS, IFS and Central Service officers, by far the largest group that has ever collected together. And again, historically, the first group of retired officers ever in the history of independent India to take a shape and form and constantly keep reminding the government of their constitutional duties. It's a constitutional conduct group that I'm talking about. And we had sent a similar thing to the President of India because he happens to occupy a constitutional post. Now, it is not in my nature to be taking off or to be saying such things about colleagues and a junior colleague as to that. I have had the misfortune of working with him misfortune or good fortune? Whatever. You can't choose your colleagues, you can't choose your parents, you can't choose your neighbors. So there are certain things that you can't choose. So one has to get used to it. And I was warned that he is
is rather difficult, and that he has connections with political powers which cross the level of decency. We have all had to interact with political forces, but somehow we have maintained our Lakshman Rekha, if I may use that term. Anyway, coming back to Sir Arora's handling of the commission, one could get into something like 100 examples of the commission that he presided over, where one would have expected, in all fairness, a more impartial decision. B, the way he carried on in his own cavalier way, some would call it absolutely shameless way, he carried on his conduct, irrespective of what public voices, what voices in civil society, and what the collective voice of more than 100 of his colleagues senior to him kept on saying, because he was denigrating the services also. You must remember, when you get such a bad apple, he denigrates the service also. People seem to think that the whole service might be as malleable as this fellow. Now, he had been behaving, it's not a personal picturization of a man I would not like to discuss. But then this is the collective view, and I have only mentioned that, and there's enough proof to go by. All right. And this has been given in writing. And not only me, lots of journalists have said the same thing in different words. The very day that I wrote, Prabhu Chawla wrote somewhere about the same thing, and he's a far senior journalist. So this is the general opinion. And as you know, there is a talk that he has already been rewarded. At least in the case of Gogoi, I think they waited 2 weeks. In this gentleman's case, they don't seem to wait 2 days to reward him. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज शुक्रवार यानी 23 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में दूसरे दिन भी कोरोना के 3 लाख से ज्यादा यानी 3,32,730 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा कोरोना से 24 घंटों में फिर से रिकॉर्ड 2,263 मरीजों की मौत हुई है और एक्टिव मामलों में 1,37,188 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। देश में कई राज्यों की हालत बेहद चिंताजनक होती जा रही है। नए मामलों के साथ साथ मौत के आंकड़े भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 568 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं पर दिल्ली में 24 घंटों में 306 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 207 मरीजों की मौत हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में 195 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,62,63,695 हो गई है, जिनमें से 1,86,920 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में रिकवरी रेट घटकर 83.91% हो गया है, यानी देश में कुल पीड़ित मरीजों में से अब तक 1,36,48,159 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। और इसी के साथ देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 14.93%, यानी 24,28,616 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 13,54,78,420 डोज दी जा चुकी हैं, जिनमें से 31,47,782 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।